हे गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम दिस साइड ऑफ वर्ल्ड। वाओ, एक सेकंड, उनके लिए उसकी फोटो ले लेते, उड़ गया। तो हे गाइस, हाउ यू ऑल, अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे हो रही है बारिश बहुत ज़्यादा। अभी फिलहाल मैंने ब्लॉग इतनी लेट इसलिए चालू किया है बिकॉज मैं सुबह अपना ब्लॉग एडिट कर रहा था, लास्ट वाला ब्लॉग एडिट किया। नहाने के बाद में लाइट जो है वो जाए जा रही है लाइट, मतलब सुबह से अभी तक लाइट जाए ही जा रही है, मतलब 5-10 मिनट आती है फिर चली जाती है। अभी भी लाइट गई हुई है, इसलिए मैं नीचे स्टार्ट नहीं कर पाया ब्लॉग को, और ऊपर इसलिए आया था देखना था कि बारिश अभी भी हो रही है। तो हाँ, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। ओके, तो अभी ब्लॉग का सारा काम हो गया, ब्लॉग चला गया है, आज गया है ब्लॉग 1 बजे। दिन ब दिन मेरे जो कंसिस्टेंसी है मैं उसकी ऐसी की तैसी करे जा रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट ब्लॉग जा रहे हैं। अभी पता है मेरा प्लान क्या है, मेरा मन क्या कर रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे रूम पे, अपनी बुक लेके आ रहा हूँ, इटेंट्स विद अस, जो कि मैं पढ़ रहा हूँ अभी, और मैं उसके 3rd या 4th चैप्टर पे हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ उसको यहाँ बैठूँ और यहाँ बैठ के पढ़ूँ, यू नो, एक अच्छा सा माहौल भी है, शांत है यहाँ पर, ऐसी शांति दिल्ली नोएडा में बहुत कम मिलती है। यश क्या कहता है उसका देखते हैं, वो चिल्लाता है फिर कि तू ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे बैठ, ऊपर नहीं जाएगा, गिर जाएगा। अरे छोटू दीदी भी घर पर ही है, क्योंकि आज संडे है ना, आप करके भागते हैं। अबे ये क्या निकल ली, कुछ खाने चली गई। मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर पढ़ रहा हूँ बैठ कर, और अभी मुझे नीचे जाना है क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से डिसएडवांटेज और सब पानी पीने का है। तो फाइनली आ गई है लाइट बहुत टाइम बाद, और अब खाना बन सकता है कुछ खाने के लिए। तो अभी भाई ने ऑर्डर दिया है कि नीचे जा कर के मैं लाऊँ पालक, क्योंकि पालक से कुछ चीले वीले बनाएगा बेसन के, प्याज भी और कुछ भी बता दे, फिर मुझे वापस भगाएगा तू। टमाटर ही डालेंगे, प्याज मिर्ची ले आई हो 4-5, वो तो वो फ्री में दे ही देगा, मिर्ची और धनिया दे देते हैं ना। धनिया नहीं, फिर भी ले आऊँगा यार, अपना को लॉस कराऊँ तो चलते हैं। मैं बड़ा लो ऑन एनर्जी हूँ क्योंकि अभी मुझे भूख लग रही है। तैयारी कर, मैं लेके आता हूँ सामान। अगर मौसम भी बहुत ठंडा ठंडा हो गया, मैं बाहर आते हैं ठंडा सा फील होगा मेरे को, बहुत बढ़िया है। वो सर्दी आ जाएगी, मुझे लग रहा है कि अक्टूबर के एंड में तो अच्छी खासी सर्दी आने लग जाएगी। या नहीं सर, आई लव विंटर सर, मैं बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहा हूँ कब से सर्दी का। तो एज ऑलवेज अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की, और मौसम हो रहा है मस्त बारिश वाला, ठंडा ठंडा मस्त। 21 डिग्री होगा। अभी ढूंढते हैं सब्ज़ी वाले को, जो ऐसे मौसम में मिलना मुश्किल है। अंकल, भैया पालक चाहिए, पालक। सो गए थे अंकल, उठा दिया उनको। वही कुछ भी हो, मौसम तो कातिलाना हो गया। मुझे लगता है मैंने पालक थोड़ी ज़्यादा ले लिया, उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पर वो इससे कम दे नहीं रहे, और उनको नींद से भी उठा दिया, तो मुझे लगा ले लेनी चाहिए। खाना बनाने में अब तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए मैं ये ले आया थोड़ी सी भूख शांत करने के लिए। ओके भाई, इतनी पालक ख़राब है। अच्छा, ज़्यादा तो आई थी पर अब ज़्यादा बची नहीं, ये ख़राब है पूरी की पूरी। बोलो, लाइट है वापस चले गई, और बहुत तेज़ भूख लगी, सीरियसली बहुत तेज़ भूख लगी है। लड्डू खाए जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ नहीं है फिलहाल। ये बना रहा था बेचारा चीले का और लाइट ने धोखा दे दिया, सो दैट्स वॉट वी आर डूइंग राइट नाउ। ओके, तो इट्स टाइम टू गो टू जिम, और लाइट भी जस्ट अभी आई है, मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया ना, अभी जिम लाइट आई है। और खाने की जो बात होती है, खाना बना ही नहीं, हमने खाया ही नहीं, बट खाने की जगह हमने लड्डू खा लिए थे, प्याजे भी लड्डू खा लिए थे, और प्रोटीन भी लिया था। और या तो हमें क्योंकि जिम जाना था, तो मैंने जानबूझ के यश को बोला कि खाना मत बना, तो यहाँ अभी जिम करके आते हैं, एक अच्छा सा बैक वर्कआउट मार के आते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं जिम में भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज मेरी बैटरी जो है वो बहुत ड्रेन है, आई थिंक 10% है, और ये मुझे प्रिजर्व करके रखनी है अगर किसी का फ़ोन आता है बाई चांस। तो सब बैग ले लिया है, बॉटल ले लिए, और जूते बाहर पहनने, स्ट्रैप्स बैग में है ही, बस और कुछ नहीं चाहिए। ओके, तो आज मैं ये वाले ही जूते पहन के जा रहा हूँ, बिकॉज जो मेरे रीबॉक वाले जूते थे वो कल पानी में पूरे भीग चुके हैं,
और सॉक्स भी हल्के से गीले हैं, बट आई विल मैनेज। और हमें आज ही पता चला कि हमारा जिम जो है ना वो संडे को शाम को भी खुलता है, हमें पहले नहीं पता था ये चीज़। शाम को 5 से 8 बजे तक खुलता है, तो इट्स अ गुड थिंग, दैट्स व्हाई हमें भी शाम को जाना है। प्रीटी एक्साइटेड फॉर टुडे बिकॉज़ आई वाज वेटिंग फॉर बैक वर्कआउट सिंस लास्ट फ्यू डेज। सो यार पूरा का पूरा केदारनाथ वाला सीन हो रखा है भाई। केदारनाथ गए थे हम लोग ट्रिप पर, तो वहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही था, रोज़ बारिश और ऐसा ही माहौल था बिल्कुल, तो वही ठंडक ठंडक सी। वो जो भैया दिख रहे हैं ना आपको, वो सिर्फ हमारे ट्रेनर हैं, इसलिए वो यहाँ पर है, और कोई नहीं जिम में, सिर्फ हम दोनों होने वाले। कम ऑन मैन, दिस खाली जिम इतने दिनों बाद, वाओ। मैं तेरे खुल के ब्लॉग इसलिए कर पाता हूँ, मैं है ही नहीं यार, आज मैं ब्लॉग अच्छे से कर पाता हूँ और मेरे फ़ोन में बैटरी कम है। शिट, कोई बात नहीं, विल मैनेज एंड या पानी बच जाते बैटरी। खाली जिम, इसका रियलाइजेशन हुआ कि मेरा जो फिलहाल के लिए वीक पार्ट है वो बाइसेप्स है। ओके, सो आई हैव टू वर्क ऑन इट, दैट ऑन दैट मोर दैट विल। यार खिड़की से बाहर मुंह निकाल के ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई सर्दी अभी आ गई हो। बहुत ज़्यादा मुझे सर्दियों से प्यार है मेरे को। वर्कआउट अभी बहुत चल रहा है, काफ़ी हैवी वेट उठा है बिकॉज आई थिंक बॉडी रिकवर थी काफ़ी टाइम से, दैट्स व्हाई। और बैक सेशन के लिए मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, ऐसा लग रहा है 16 पेस ही चलता है ना, फील्स गुड सीरियसली यार, बड़ी पॉजिटिव वाइब है मेरे। भाई गिराएगा फोन को, क्या दे रहा है पीछे से। दिवाली वाइब्स। ओके, तो गाइस जिम से आए हुए टाइम हो गया 1 घंटा और बहुत बेस्ट वर्कआउट हुआ यार। मतलब खाली जिम के अंदर इतना सही वर्कआउट होता है, 10/10 वर्कआउट था। बैक पे जो यू नो माइंड टू मसल कनेक्शन, इट वाज जस्ट अनमैचेबल। तो अभी अपन खा रहे हैं पालक के, क्या बोलते हैं पालक के चीले पावर्ड बाय कैच मसाला। उसके ऊपर स्प्रिंकल करके खा रहे हैं कैच मसाला, बहुत टेस्टी लग रहा है वो, बहुत सही बनाया है, पहली बार बनाया है और बहुत बढ़िया है। क्योंकि तो आज इंडिया के जीतने के चांसेस लग रहे हैं इस मैच, मतलब लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका के साथ अभी मैच चल रहे हैं, लास्ट मैच में हार गए थे यार, इस बार जीतने के चांसेस हैं। लेट्स सी, 80 रन चाहिए 102 बॉल पे। जीत के लिए 80 रन चाहिए, गेंदे 102, सुन लिया 4.7 एक रन प्रति ओवर। मैच पूरी तरह से देखते हैं लास्ट में क्या होता है। तो गाइस ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं बिकॉज अब मुझे सोने की जो है ज़रूरत का आभास हो रहा है और मेरी आदत पड़ गई यहाँ पे ऐसे फ़ोन रखने की और फिर ब्लॉग एंड कर लेंगे। सो दैट्स इट, और मैंने बालों को यहाँ कर लिया है ऐसे ही मेरा मन करा क्योंकि यहाँ से बाल कम हो रहे हैं ना। तो बस यार बहुत अच्छा लगा आज का ब्लॉग बना करके, काफ़ी अच्छा दिन गया। एक चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ ध्यान से सुनो और उस पर अमल कर लेना, कमेंट करके जाना, प्लीज़ कमेंट करके जाना, कुछ भी एक हार्ट छोड़ दो मेरे लिए कमेंट में, कुछ भी प्यार गुस्सा नाराज़गी सब कुछ जो भी आप व्यक्त करना चाहते हो व्यक्त करके चले जाओ कमेंट में, बस इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार। सो थैंक यू वॉचिंग, बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखो और खुश रहो, बाय।